नमस्कार। चैप्टर नंबर 8 का हम लोग एक्सरसाइज कर रहेंगे, नाइन्थ क्लास का साइंस का मोशन चैप्टर है ना। कहता है कि जोसेफ जो है जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। ठीक है, 300 मीटर का रोड है, उसको चलने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है ना। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू अ पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। फिर पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ करके 100 मीटर और इधर चलता है। ठीक है, कितने मिनट में टोटल जाने में उसको 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड लगा। फिर वापस आने में थोड़ा सा यहां से लेकर के कहां दिख रहा है, तो इसको कितना टाइम लगा? 1 मिनट। कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। तो व्हाट इज द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी? ये ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, और फिर ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? तो क्या करेंगे, ए से बी तक जाने में फर्स्ट वाला बनाते हैं। डिस्टेंस कितना हो रहा है? 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है ना, 2 से हम लोग 60 में इंटू कर देंगे, प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150 सेकेंड। तो अब हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 300 अपॉन में 150, 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? डिवाइड हो जाएगा तो फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत? और वेलोसिटी भी सेम होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्ट्रेट रोड पे जब चल रहा है ना, जब कहीं इधर उधर रुक नहीं रहा है, तो जितना डिस्टेंस, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। भाई इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर है ना। तो सेम वही चीज, मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या रहेगा? सेम आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये तो था ए से बी तक के लिए, अब ए से अगर सी पे आता है तो क्या होगा? जब ए से सी पर आता है तो क्या होगा? ए से सी पर आएगा तो फिर क्या होगा? पहले ए से बी पे जाएगा ना, अब बी से फिर सी पे आ रहा है, तो ए से बी तक, मतलब पहले ए से बी फिर बी से सी, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? यहां लिख दीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 300, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 100। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 300 + 100 = 400 हो जाएगा ना। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है? नहीं, 1 मिनट थोड़ी लग रहा है, पहले वाला भी तो टाइम है ना भाई, 1 मिनट तो बाद में, यहां 100 मीटर चलने के लिए लग रहा है, तो 150 + 100 बाबू, सॉरी हाँ 150 + 60 ये कितना हो जाएगा? 210 सेकेंड। ठीक, ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके निकाल लीजिए, तो 400 अपॉन में 210, कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग बी से सी तक आने में, सॉरी ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे 300 में से हम लोग क्या करेंगे, 200 को, अरे 100 को माइनस कर देंगे, ये सी पे पहुंचा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 300 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 200 होगा ना, क्योंकि इधर ये 100 है, तो 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा? 200। तो ये ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 200 मीटर। अब टाइम तो उतना ही लग रहा है 210, क्योंकि सी पर आने में टाइम तो उतना ही लग रहा है। अब हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो 200 अपॉन में 200
ठीक है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टाइम तो वही था भाई, सी पे आने में क्या, पहले ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे आया, तो इसीलिए फिर ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 8.0 सेकंड है, तो एस तो निकालना है, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, U कितना है, U तो जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो U क्या होगा जीरो, तो जीरो इंटू टी जीरो प्लस हाफ इंटू ए कितना थ्री इंटू टी स्क्वायर, एट का स्क्वायर करना क्या है तुम लोग करते नहीं हो, हाफ इंटू थ्री इंटू एट का स्क्वायर, एट इंटू एट हो जाएगा, थ्री से एट सॉरी टू से एट फोर टाइम्स है ना, ठीक है, थ्री फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व एट जा 96 मीटर। ओके क्या करना, कुछ करना था तब फिर कैसे नहीं निकल रहा है। अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, कितनी देर में 5 सेकंड में, ठीक है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाईज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड, वो 10 सेकंड में स्टॉप होता है, ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। एक ग्राफ पे दोनों को शो करिए, एक है 52 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक का, और एक का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग क्या करते हैं इसको 5-5 करके ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 40 45 और ऊपर करना पड़ेगा 50 और 55 कितना है 52 है, तो 52 यहाँ पर आएगा ना, ठीक। अब वो ब्रेक लगा रहा है तो वेलोसिटी लास्ट में जीरो हो रहा है, कितनी देर बाद जीरो हो रहा है, कितनी देर बाद 5 सेकंड बाद। अब इसको भी 5-5 में कर लेते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड एक मिनट। अब ये 52 था, 5 सेकंड बाद फिर ये कार ए का ग्राफ ऐसा बना, 5 सेकंड बाद ये ऐसा हो गया, ठीक। 5 सेकंड बाद जीरो हो गया ना भाई, वेलोसिटी जीरो, अभी तो आपको एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बताया है, तो अब मतलब इसका वाई जीरो हो गया, इसका मतलब ये यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक। 5 सेकंड बाद फिर अब क्या कहता है कि एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 10 सेकंड बाद वो जो है रुक रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर होगा है ना, तो यहाँ से वो कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है रुकने में उसको, उसका वेलोसिटी 10 सेकंड बाद जीरो हो रहा है। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्पीड ज्यादा कौन सा कार जो ज्यादा दूर तक ट्रेवल किया, कौन सा, ये कार ए की कार बी, कार ए की कार बी ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, कार ए की कार बी, अरे क्यों कार ए क्यों ज्यादा ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, यहां से यहां तक आ रहा है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके अंडर में जो एरिया होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक इसका एरिया और ये यहां से यहां तक इसका एरिया, कौन सा एरिया बड़ा है, ये बी वाले का कि ए वाले का,
ये वाला एरिया ज्यादा है ना, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन है, इसको घर पर रखिए, घर पे पढ़ाइए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तीन ऑब्जेक्ट का ए बी सी। अब ग्राफ को स्टडी करके बताना है कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन चल रहा है, सबसे तेज कौन चल रहा है, कौन तेज चल रहा है, क्यों कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। रुकिए हम फोन कर लेंगे। तो बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कम समय में, इसलिए वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बी फास्टेस्ट है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या कहीं पर वो तीनों एक पॉइंट पे कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे कहीं नहीं मिल रहे हैं, है ना। हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब बी ए को पास किया, जब बी ए को पास किया तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, यहां पर सी कितना दूरी पर था, तो वो कितना किलोमीटर पर था, आप यहां से देख सकते हैं 8 किलोमीटर पे है, कहां पर है 8 किलोमीटर, है ना भाई। वो जो जहां पे ए और बी क्रॉस कर रहे हैं उस वो पॉइंट सी पर ड्रॉप करके देखिए वो कहां पर आ रहा है, 8 किलोमीटर पर आ रहा है ना, है कि नहीं। अच्छा, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, जब सी को पास करने के बाद वो कितना दूर ट्रेवल किया, सी को जब पास किया यहां पे क्रॉस किया तो उसके बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये सी को यहां पे पास कर रहा है 5 पे, कहां पे पास कर रहा है 5 पे, और लास्ट वो कहां पर पहुंच रहा है 11.5 हमको लगता है 11.5, 11.5 में से ये इसको 5 को माइनस कर लेंगे। ओके, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये तो बताया था ना, हो गया ना, ये एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और हाइट दिया है 20 मीटर, ये जो 20 मीटर हाइट है ये क्या होगा, डिस्टेंस ले लेंगे, है ना, और ये एक्सेलरेशन ले लेंगे, और फिर इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, थर्ड इक्वेशन से निकाल लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है कार का, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, ग्राफ पढ़ लीजिएगा उसको, फर्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ग्राफ को पढ़ के बताइए, 6 किलोमीटर है ना, कहां पर है ये 6 किलोमीटर। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट 4 सेकंड के बाद फिर ये है यूनिफॉर्म मोशन में, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद बढ़ा ही नहीं है, है ना, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉर ईच ऑफ, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट द जीरो बट विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो रहेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा क्या, यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो होता है, है ना। ठीक, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, वो स्विंग वगैरह का होता है सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 10वां वाला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, रेडियस दिया हुआ है इतना किलोमीटर का, उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसका स्पीड निकालना 24 आवर अगर लगता है तो अर्थ के चारों तरफ, तो आप उसका रेडियस से क्या करेंगे 2πr निकाल लेंगे और उसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 2πr अपॉन में t, उससे क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।